हाँ जी, चलिए वॉइस चेक करिए फटाफट से। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिया था, उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे फटाफट से कि कैसे करना है क्वेश्चन, नहीं करना है, सारी चीजों को लेके चलेंगे। चलिए देखिए, यानी एक तो ये केस था आपका, एक एक करके केस को मैं सॉल्व करता जाता हूं। पहला केस कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेट करना है सभी केस में। इनफैक्ट यहां पे दे रखा है टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये टोटल कलेक्टेड है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आपका एंडेड जो भी है पूरा है ये। एक सब्सक्रिप्शन एरियर था यहाँ पे और एक सब्सक्रिप्शन एडवांस था आपका, तो सर ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडिंग है। तो केस नंबर वन का आंसर जो आएगा हमारा आएगा सब्सक्रिप्शन, और दैट इज हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ जाएगा 250। इसमें कहता है एरियर है हमारा 31 मार्च 18 और हम काम कर रहे हैं 18 का ही, तो ये ऐड हो जाएगा हमारा किस नाम से होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और कितने का होगा सर ये 6000 का। इसके बाद कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 19 के लिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर 2019 के लिए, तो प्रीपेड है तो लेस हो जाएगा ये क्लोजिंग एडवांस। सर कितने रुपए का है ये, 5000, तो ये कितना आ गया 2 लाख, 5000 ये ना 51000। पहले का आंसर है हमारा 2,51,000, तो पहले का आंसर ये आ गया हमारा 2,51,000। केस नंबर टू, केस नंबर टू में कहता है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी सर टोटल सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया है, तो सर टोटल सब्सक्रिप्शन है हमारा 1,49,000। इसके बाद कहता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कलेक्टेड ईयर एंडेड 2017, कहता है सब्सक्रिप्शन जो हमने 31 मार्च 18 में कलेक्ट किया है इन द ईयर एंडेड 17, यानी इस सब्सक्रिप्शन के अंदर पिछले साल का 3000 जुड़ा हुआ है। दोबारा लाइन क्लियर कर दूं, कहता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी ऊपर वाला है कलेक्टेड इन ईयर एंडेड 2017, यानी 17 वाले 3000 है, तो लेस हो जाएगा पुराने साल का ये। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने हमारे 3000। आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शन अनपेड, इसी साल का अनपेड है, ऐड हो जाएगा सर कौन सा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने रुपए 2000, तो पहले वाला तो माइनस हो गया और ये ऐड हो गया, तो दैट इज आपका 1000 रुपए 40। कौन सा, एक मिनट, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कलेक्टेड इन 17, अच्छा सब्सक्रिप्शन 4 है वो, सब्सक्रिप्शन 4 है मतलब कि 2018 के लिए हमने कलेक्ट कर लिया था 2017 में, तो ये एडवांस है, ये एडवांस है, ओपनिंग एडवांस है, तो ये भी ऐड हो जाएगा एडवांस, तो अब ये आ जाएगा 50। चलिए केस नंबर थ्री, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो सर सब्सक्रिप्शन रिसीव किया हमने ड्यूरिंग द ईयर 25,000। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ ईयर मार्च 2018, तो सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कहता है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, यानी क्लोजिंग ऐड हो जाएगा, कितने रुपए हैं अल्टीमेटली 2000 ऐड में होगा ये लेस होके,
27,000। केस नंबर फोर, केस फोर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने का है? सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड 18 का, तो क्लोजिंग है, ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का है? 8,000 का। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 19 रिसीव, तो एडवांस हो गया सर ये, माइनस हो जाएगा क्लोजिंग एडवांस कितने रुपए? 2,000 रुपए। तो 6,000 यानी टोटल मिला ले तो 86। अच्छा एक रह गया, सेकंड रह गया है ना। सेकंड कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग द ऑफ द ईयर मार्च 5,000। तो 5,000 रुपए, ये 8,000 ले लिया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ठीक है। तो अब दो चीजें लेस के हो गए, 5, 2, 7, 88 में से 87 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 87 ना। चलो इसको 81 कर लो, मतलब ये ठीक है। पांचवा केस, पांचवे केस को मैं यही कर देता हूं। सबसे नहीं, ये तो करना पड़ेगा हमें अलग से ना। चलो क्या कहता है पांचवे केस में? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो भैया सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कितने रुपए का रिसीव हुआ? 90,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 17, तो माइनस हो जाएगा, लेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 5,000। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो क्या होगा हमारा? प्लस हो जाएगा एडवांस 3,000। कहता है सब्सक्रिप्शन एडवांस इन एडवांस, तो माइनस हो जाएगा एडवांस क्लोजिंग कितने रुपए? 4,000। सब्सक्रिप्शन येट नॉट कलेक्टेड, प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितने? 6,000। ये तो सिंपल ही था, माइनस माइनस कितने हो गए? 6, 3, 9 और 9, यही रह गया, 90 ही रह गया। ये तो अल्टीमेटली 90 ही रह गया। कोई दिक्कत, ठीक है, चारों केस हमने कर लिया, जो भी हिंट वगैरह देना था उन्होंने दे दिया, ठीक है। चलिए सर इसके बाद कुछ एक सवाल और मैं करवा दूं, ये भी हो गया, हो गया या नहीं हुआ? ये हो गया। चलिए ये एक सवाल ये कर लेते हैं, स्टेशनरी कंजम्पशन वाला ऑलरेडी कर लिया है ना शायद, ये नहीं दिया, चलो देख लेते हैं। अब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा ना, तो सबसे पहले स्टेशनरी वाला, देखो कंज्यूम वाला हमने पहले ही करा था, है ना, कंज्यूम वाला हमने पहले ही करा था, चलिए। एक बनेगा स्टॉक अकाउंट, और यहां पे देखो तो आप क्रेडिटर भी है और एडवांस भी है ना, तो ये बन जाएगा क्रेडिटर एंड एडवांस। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, नहीं बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी,
पाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस। आपको याद होगा जब हमने एडवांस वाला देखा था तो दोनों जगह बोला था भैया सेम सेम रहेगा, दोनों साइड बैलेंस बीडी और सीडी फॉर्मेट में हमने देख रखा था। चलिए अब पुट करते जाते हैं। स्टेशनरी जनवरी का कितने? 30,000। क्रेडिटर जनवरी का कितने? 20,000। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 15, यानी कितने? 2,000। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो यहां टू बैंक से पेड हो जाता है, कितने का पेमेंट कर दिया? 1,00,000। 8,000। स्टॉक दिसंबर में 5,000। क्रेडिटर 13,000। और फिर से एडवांस 3,000। तो सर यहां से कुछ निकलेगा जानकारी? ये हो गया 10 और 13, 23, और ये आ गया 1, 23। माइनस में कर देंगे 20 और 3, 23, तो कितने बचे? 1,00,000 बच गया ये, और ये यहां आ जाएगा टू क्रेडिटर 1,00,000, और अब ये टोटल कर देंगे हम 1,30,000। आपके किताब का ही सवाल है ये, और बाय आ जाएगा हमारा इनकम एंड 1,25,000। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये। किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलिए एक ये सवाल है, हमने जो जो टॉपिक कर लिए सभी के ऊपर हम सवाल लेके चल रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है सर टूर्नामेंट फंड हमारा दे रखा है, टूर्नामेंट एक्सपेंस दे रखा है, रिसीट्स दे रखा है, क्या करें इसका? तो सर टूर्नामेंट फंड है तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फंड है ना वो स्पेसिफिक फंड है, ये जो फंड है ना वो स्पेसिफिक फंड है, तो सर टूर्नामेंट फंड तो यहां आ जाएगा। और किस में आएगा सर? बैलेंस शीट में। कितने रुपए का टूर्नामेंट फंड है? 10,000 का। इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस 3,000 है तो यहीं से होगा। बचे कितने? कहता है टूर्नामेंट से रिसीव हुआ है तो इसी में ऐड हो जाएगा। कितने रुपए? हाँ रिसिप्ट है ना टूर्नामेंट से, तो यहीं पे 4,000 हो जाएगा ऐड। तो सर 11,000 रुपये ये बैलेंस शीट में रह जाएगा, इसका आंसर यही है। समझ में बात आपको? ये बैलेंस शीट में 11,000 रह जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगला कहता है बिलियार्ड टेबल एक्सपेंस है सर, अगर आपका बिलियार्ड टेबल एक्सपेंस है इससे रिलेटेड फंड ही नहीं है तो ये कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस में चला जाएगा। क्लियर है? चलिए सर अगला कहता है तीसरा पॉइंट, प्राइस फंड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्राइस फंड है, प्राइस पेड है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, तो इसका क्या करें? तीसरा केस। तो सर लीजिए तीसरे केस के लिए भी बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये लीजिए मैंने बैलेंस शीट बना लिया, अब ध्यान से देखिएगा। सर सबसे पहले कहता है प्राइस फंड, तो प्राइस फंड तो लाइबिलिटी में आ जाएगा, और प्राइस फंड कितने का है? फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, यहां प्लस हो जाएगा। कितने रुपए हैं सर? सर ये इंटरेस्ट इधर भी जाएगा क्या? तो मैंने जब करवाया था तो मैंने बोला था इधर भी आएगा और दूसरी साइड भी आएगा, लेकिन इस साइड में हम इंटरेस्ट को शो नहीं करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि बैंक के अंदर जुड़ गया होगा, तो इस साइड नहीं दिखाना, यहां होता है लेकिन हम मान लेते हैं बैंक में जुड़ गया होगा, तो बस यहीं पे दिखाना है अपने इंटरेस्ट। ठीक है चलिए इसके बाद कहता है प्राइस पेड किया, तो टोटल सर हमारे पास 5,500 था रुपए, जिसमें से माइनस कर देते हैं प्राइस पेड। ये भी आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, सारा किताब का ही है। अब कहता है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये बचे कितने आपके? 45।
और आपने प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया तो यहां पे आ जाएगा। क्या अब ये 4,000 यहां से घटाएंगे? तो जवाब नहीं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका प्राइज फंड या फिर स्पेसिफिक डोनेशन पे फर्क नहीं पड़ता, वो तो बैंक से पैसे निकाल के इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो यही ये रहेगा। दूसरे तीसरे का सवाल का आंसर ये है, ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में कहता है कि सर रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा टिकट और एक्सपेंस ऑन सिनेमा टिकट, सर ये फंड थोड़ी ना है कोई, तो ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्लियर है? ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट सवाल। थोड़ा सा बड़ा सवाल, कहता है ट्रीटमेंट स्पेशल फंड का करो, कर देंगे। पहले स्पोर्ट्स फंड दे रखा है तो इसका बनाने का तरीका, हमें बैलेंस शीट बना लेते हैं। और बैलेंस शीट बनाने के साथ साथ एक बना लेते हैं हम P&L भी। बैलेंस शीट और एक बना लेते हैं हम क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसको P&L यानी इस साइड एक्सपेंस लिख देंगे, इधर इनकम। पहले कहता है प्राइस फंड है तो भैया स्पोर्ट्स फंड लाइबिलिटी में आ जाएगा कितने रुपए? 4 लाख। इसके बाद कहता है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो एसेट्स में आ जाएगा कितने रुपए? 4 लाख। अब कहता है इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ऐड हो जाएगा कितने रुपए? 30,000। लेकिन इधर नहीं दिखाएंगे, इधर मान के चलेंगे बैंक में चला गया होगा। ठीक है, अगर आप इधर दिखाते हो ना तो आपको लिखना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट। क्यों सर एक्रूड इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि नहीं मिला है, और अगर नहीं मिला है तो बैंक में कहां से जाएगा? समझ रहे हो बात को आप? तो इसलिए दिखाते हैं। इसके बाद कहता है डोनेशन मिल गया भैया, 50,000 ऐड कर दो। इसके बाद कहता है स्पोर्ट्स प्राइज फंड है, तो स्पोर्ट्स प्राइज आपने अवॉर्डेड करा है, अवॉर्ड कर दिया स्पोर्ट्स प्राइज। ठीक है, चलिए। इसके बाद कहता है एक्सपेंस एंड स्पोर्ट्स इवेंट पे भी खर्चा कर दिया। अब ये जर्नल फंड आ गया सर, इसका कोई मतलब है नहीं, और जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट भी है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले स्पोर्ट्स प्राइज आपने पेड किया है, माइनस कर दो 60,000 रुपए। और सर आपने एक्सपेंस भी कर दिया स्पोर्ट्स इवेंट पे कितने? तो अब जो बच गया वो ये बच जाएगा, 4 4 लाख में से 4 लाख। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं जाएगा इससे रिलेटेड। अगला कहता है जर्नल फंड है तो स्पेसिफिक तो है नहीं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। इनकम में इधर इनकम ही होता है, तो जर्नल फंड कितने रुपए मिले? 3 लाख। अब इसमें से पैसा उठा के इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, कोई बात नहीं, यहां इन्वेस्टमेंट में डाल दो कितने रुपए? अब जो इससे ब्याज मिला है कौन बताएगा? अगर जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट से नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से ब्याज मिलेगा तो बताओ कहां जाएगा? इनकम में जाएगा, तो यहां आ जाएगा इनकम में। देखो जो जो चीजें हमने सीखा था उस दिन तो नहीं करा था सवाल, लेकिन आज सारी चीजें हम कर चुके हैं। क्लियर? ये बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट होगा भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट मार दोगे आप। अब बिल्डिंग खरीदोगे तो आप P&L में दिखा दोगे बिल्डिंग, तो नहीं है लिखा हो बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, एसेट्स तो एसेट्स में, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी में जाएगा। अब देखिए एक ये और आ गया जर्नल, देयर इज एनपीओ के अंदर कुछ एक सवाल पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। सवाल पूछे गए हैं कुछ अलग अलग तरीके से। सर क्या सवाल पूछे गए हैं? देयर आर थाउजेंड नंबर ऑफ देयर आर थाउजेंड मेंबर ऑफ एनपीओ ईच सब्सक्रिप्शन इतने का, और सब्सक्रिप्शन रिसीव
ईयर इतने का और हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव इतना किया, तो आपको बताना है कि बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। पहला केस कौन सा, मेंबर वाला है। तो सर मेंबर वाले में तो बड़ा आसान है, किसी को दिक्कत बताइए। लेकिन सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, तो रिसीव तो 90-500 की है, तो आप एक तो बाकी का आउटस्टैंडिंग रहा होगा जो कि हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देयर आर 1000 मेंबर 100 रुपए ईच पेइंग, और फिर फालतू के इधर उधर की बातें, तो बात वही हो गया। फिर कहता है आगे 1000 और 150 रुपए, और फिर बताया बिगिनिंग में ये था क्लोजिंग में ये था। मैं 10,000 कर रहा हूं यार, हर बार 1000 खत्म। चेक करते जाओ, आंसर आपके पास ही होगा। अब इस वाले में अलग पॉइंट आ गया। कहता है कि सर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया है, स्टेशनरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टॉक का ये था और ये था, क्रेडिटर का भी आपका दे रखा है ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का, तो अब आपको बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपसे, तो ये आपको करने के लिए दे दिया। सिंपल सा है, एक स्टॉक अकाउंट बनेगा और नीचे क्या बन जाएगा हमारा, क्रेडिटर अकाउंट, और वो हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। देयर इज 1000 मेंबर 100 रुपए ईच, आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं। खत्म जी खत्म। चेक कर लीजिए आंसर किताब के अंदर भी। एक बच्चा पूछ रहा है, गौतम सर पीछे फुल इंटरेस्ट कंसीडर नहीं किया आपने, अच्छा कुछ रह गया क्या? एक मिनट एक मिनट, एक बच्चे ने वैलिड क्वेश्चन पुट किया है, सर पीछे आपने फुल इंटरेस्ट क्या कंसीडर किया है? तो चेक करना होगा, जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ये भी ध्यान देना है कि 1 तारीख को किया तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको कितना, 40,000, ये भी ध्यान देना है 40, जबकि यहां पे इंटरेस्ट हमने 30 कर रखा है, तो और ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग। क्या चेक कर रहे हो आप सब, समझे बात? तो ये एक बच्चे ने बताया, चलो ये आपका फायदा हो गया इसमें, तो लाइव क्लास वाले बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपका फायदा हो जाता है। और जनरल डोनेशन पे जो मिलेगा इंटरेस्ट 8% मिलेगा, तो 8% दैट इज 24,000, और जबकि मिला कितना है इंटरेस्ट, 50,000। समझे, क्लियर है? चलिए यस गौतम बताइए। हाँ जी बताइए गौतम। सर हाँ जी सर ये एक्रूड इंटरेस्ट तो बोथ साइड आएगा ना, एसेट्स में भी तो आएगा ही। अरे हाँ, ये वाला आएगा इधर भी एक्रूड, क्योंकि बैलेंस ऐसे मैंने क्या समझाया था, देखो मैंने आपको बताया फिर भी आपने ध्यान नहीं रखा। मैंने कहा था आपको कि भैया अगर एक्रूड नहीं है तो बैंक में गया, एक्रूड है तो अलग से आएगा ना। और ये वाला भी एक्रूड है, ये वाला भी एक्रूड है, तो ये भी आ जाएगा बिल्कुल। अब ठीक है, आप सब तो पन्ने पलट रहे हो बस, ऑफलाइन वाले बच्चे तो।
समझ गए इसमें? इस टाइप का सवाल मतलब कि 6 नंबर में आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, है वर्थ रखता है 6 नंबर का ये। चलिए सर, कहता है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, हाउ विल यू डील विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 17 में कैसे डील करोगे? कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव किया इतना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था इतना, और ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इतने का, ये करंट ईयर का है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2016 ओपनिंग, और सब्सक्रिप्शन रिसीव ये। तो सर ये तो सिंपल वाला बन गया, पहले वाला केस बन गया है ना, पहले वाला केस बन गया, ओपनिंग एड क्लोजिंग जो भी कर रहे थे, 4 चीजें, 2 चीजें एड 2 चीजें लेस, कर ही देते हैं अब। चलिए सब्सक्रिप्शन 1,25,000, 1,24,000, 2 चीजें ऐड कर देते हैं सर, क्या ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस कर देते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और लेस कर देते हैं क्लोजिंग एडवांस, मैंने पहले लिख लिया। तो सबसे पहले ये ओपनिंग है एडवांस आउटस्टैंडिंग, ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस करते हैं बात। तो उसने कहा कि भैया जो एडवांस है कुछ ऐसे, पहले 17 का है जो कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 16 का ये है 20,000, और 17 का है 14,000, बताइए। एक 20, आंसर डन। सर बुक में जनरल फंड बैलेंस शीट में क्यों लिया लिखा है? चेक करो एक बार बुक में जनरल फंड कहां लिखा है। सवाल नंबर ये डाउट जो आया है ना, ये पुराने वाला, एसेट्स में तो लिखा है वैसे हमने जनरल फंड, लायबिलिटी में भी लिखा है क्या? अच्छा ये मेरे से पूछ रही है मुझे लगा बता रही है। देखो बैलेंस शीट में यही अलग है, लायबिलिटी में जनरल फंड डाला है क्या? जनरल फंड लायबिलिटी में है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक बार दिखाओ, बुक दिखाओ। ये लो, नहीं जनरल फंड जो डाला हुआ है ना यहाँ पे, मान के चल रहे होंगे। देखो जनरल फंड के अब मैं यहाँ पे पूछा है तो बता ही देता हूँ। अब दो चीजें होती है, जो जनरल फंड होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आता है, और जनरल फंड आता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में भी आता है। लेकिन सर हम कैसे समझे, अगर अमाउंट ज्यादा है और उसको इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है तो इसका मतलब सर इस जनरल फंड को यूज नहीं किया जाएगा, बाद में करेंगे यूज। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्पस के लिए बचाया गया है। तो ये माइंड में अगर इंटेंशन लेके चल रहे हो तो लाइबिलिटी में डाल दो,
अगर ये मान के चल रहे हो साल के अंदर अंदर हम इसका इस्तेमाल इस्तेमाल करके खत्म करने वाले हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो कहाँ जाएगा आपका? दोनों मैंने लॉजिक बता दिया, नोट देना पड़ेगा आपको दोनों के केस में ही। जैसे उसने लाइबिलिटी में दिया, मैं नोट चेक कर रहा था, उन्होंने दिया नहीं है नोट, वो इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने पूरा नहीं पढ़ा। और बाकी अगर आप यहां भी दिखा रहे हो तो नोट दोगे, वी अज्यूम दैट जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, नो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, इसलिए हमने दैट्स वाई वी आर पुटिंग इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड, बस बात खत्म। ठीक है, नहीं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ठीक है, मैंने रीजन बता दिया गौतम, अगर आप मान के चल रहे हो कोई स्पेसिफिक हो तो लाइबिलिटी में भी दिखा दो, इसका इंटरेस्ट ऐसे दिखा दो, वो आपकी इच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम इसका नेक्स्ट लेवल जो आएगा ना, यानी हमने बेसिक बेसिक कंसेप्ट सारा क्लियर कर लिया है, और जो इसका नेक्स्ट लेवल आने वाला है, सर नेक्स्ट लेवल का मतलब इसका अगला स्टेप जो होगा, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग, दो बैलेंस शीट बनते हैं। तो अभी हम पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ प्रिपेयर करना सीखेंगे, फिर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज आ लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस ही है, इसका नाम बदल दिया गया है। बस यहां पे प्रॉफिट को, वहां पे हम प्रॉफिट को प्रॉफिट लिखते थे, और यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट को सरप्लस के नाम से, और कोई चेंजेस नहीं आने वाला। चलिए सर, ये टॉप पे लिखना है आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहां पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, इस साइड सारे खर्चे होंगे, इस साइड सारा इनकम होगा। इनकम में सबसे टॉप पे इनकम जो रहने वाला है, वो रहने वाला है बाय सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर कुछ चीजें ऐड और कुछ चीजें माइनस होती होती है। अब जो चीजें ऐड लेस होती है, या तो आप यहीं पे दिखा दो या अलग से वर्किंग नोट पे दिखा दो। तो मैं यहीं दिखा देता हूं कि दो चीजें हमने क्या करी थी, ऐड, और दो पॉइंट हमने माइनस किया था। ये सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन में आपको डिटेल में बताया था। तो सर यहां क्या होगा, ओपनिंग एडवांस, और ये अंदर ही करना है, फिर अंदर की साइड ही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग। सर इसको करने के बाद ये इधर आ जाएगा, ये हो गया इनकम। और क्या इनकम हो सकता है, इनकम हो सकता है डोनेशन, जनरल डोनेशन जिसे बोल रहे हैं, और हो सकता है आपका डोनेशन। सर और क्या हो सकता है, कहीं से ब्याज मिल रहा हो, इंटरेस्ट रिसीव। सर और क्या हो सकता है, आपको कोई किराया मिल रहा हो, रेंट। और क्या हो सकता है, कई बार कुछ, हर किसी का अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स क्लब वगैरह है तो वो इवेंट करवा देते हैं वहां पे। जैसे मान लेते हैं आपका स्पोर्ट्स क्लब है, यानी आपका प्ले ग्राउंड है, पवेलियन ग्राउंड है, तो आप वहां पे क्या करवा देते हो, स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट करवा देते हो। तो उस टूर्नामेंट के जो पर्सन आते हैं ना, तो उसको टिकट भी बेचा जाता है, ऐसा नहीं कि आप फ्री में घुस के नहीं देखोगे।
टिकट खरीदो तो वो क्या हो जाता है, प्रोसीड्स यानी सेल। तो कोई थिएटर वाला है तो प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट्स हो जाएगा, अगर स्पोर्ट्स क्लब है तो प्रोसीड्स फ्रॉम स्पोर्ट्स क्लब हो जाएगा, फर्क ये है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोसीड फ्रॉम टिकट्स, फ्रॉम टिकट प्रोसीड्स फ्रॉम टिकट। और सर क्या इनकम का सोर्स है, और लॉकर रेंट होता है हमारा, लॉकर रेंट। और लॉकर रेंट के अंदर अगर आपका एडवांस पिछला है, सेम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फॉलो करते हैं तब करेंगे। मैं जब आऊंगा पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे तो एक एक को बताऊंगा भी। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट लिख दिया हमने, क्या पता आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हो, एक्रूड इंटरेस्ट भी हो, तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका, आपने क्या करा, पुराने जो आपके पास सामान था, जो एक तरीके से स्क्रैप था, कबाड़ था, उसको बेच दिया, तो उस केस के अंदर जैसे आपका सेल कर दिया आपने ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी रद्दी आपने बेच दिया, तो वो भी आपका इनकम का ही पार्ट माना जाएगा। अब बेचने की बात करें तो सोल्ड दो चीजें हो सकती है सर, बेचने की बात करिए तो दो चीजें सोल्ड हो सकती है यहां पे। एक बिक सकता है आपका स्क्रैप और एक बिक सकता है आपका एसेट। स्क्रैप का कहने का मतलब है जिसको, जैसे कि न्यूज़पेपर रद्दी जिसे बोल देते हैं हम, ठीक है। और एक बिक सकता है आपका क्या, एसेट्स। एसेट्स का मतलब आपने फर्नीचर बेच दिया, एसेट्स का मतलब जैसे आपने फर्नीचर, जैसे आपने बैट एंड बॉल बेच दिया, जैसे आपने कंप्यूटर बेच दिया, तो ये सारे एसेट्स। सर जब आप एसेट्स बेचेंगे तो यहां दो सिचुएशन होगा, या तो आप एसेट्स को, इनफैक्ट तीन सिचुएशन बन के आता है, या तो आप एसेट्स को बेचोगे महंगा करके, यानी महंगा अबव द कॉस्ट, या बेचोगे सस्ता लेस देन कॉस्ट, या बेचोगे इक्वल द कॉस्ट। तो जब कभी भी आप एसेट्स को बेचते हो तो यहां पे आपको उसके कॉस्ट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेट अस एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम फर्नीचर बेचेंगे और मेरे फर्नीचर का कीमत है 10,000, बट हमने फर्नीचर इस वाले केस में सोल्ड कर दिया 11,000, तो यहां पे 1,000 रुपये का क्या आएगा। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना तो 10,000 का ट्रीटमेंट होगा ना ही 11,000 का ट्रीटमेंट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा सिर्फ और सिर्फ, और 1,000 इधर आ जाएगा बाई साइड में, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। नहीं, डेब वगैरह लगा के सब कॉस्ट बताया मैंने, ये मान लो, ठीक है। अब दूसरा हो सकता है कि मैं फर्नीचर को सोल्ड कर दूं सर 6,000 में, तो यहां हो गया हमारा लॉस, कितने का लॉस हो गया सर, 4,000 का लॉस हो गया। तो मतलब सर अब ना तो 10,000 जाएगा ना 6,000 जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा, 4,000 का लॉस। तो इधर आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब मान लो मैंने बेच दिया 10,000 का, तो नो प्रॉफिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई काम ही नहीं है, रेवेन्यू नेचर का है। आपका कॉस्ट क्या था मैटर नहीं करता, आपने सिंपल सी बात है सेल किया 200 रुपए का, चला आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कितने का खरीदा था अखबार मतलब नहीं है, समझ में आई बात आपको। तो अगर ये स्क्रैप वाला पार्ट बेचोगे तो इसमें ये नहीं जानना कि कितने का खरीदा था कितने का बेचा था,
लेकिन एसेट्स वाला पार्ट जब होगा तो वहां जानना पड़ेगा और उससे रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे। सर क्या ये जो एसेट्स हमारा बिक गया और कहीं नहीं जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में से भी माइनस होता जाएगा, जब हम बैलेंस शीट वाले पार्ट पे आएंगे तो वहां मैं बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा किसका एक और पॉइंट जो कि हमने डिस्कस कर लिया। सर और क्या आ सकता है यहाँ पे टू साइड में? टू साइड में आ सकता है रेंट, लेकिन सर रेंट में अगर आउटस्टैंडिंग हुआ तो ऐड हो जाएगा सर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। लेकिन सर अगर पुराना आउटस्टैंडिंग हुआ तो सर वो लेस हो जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सर अगर आपका एडवांस हुआ तो वो भी लेस हो जाएगा, प्रीपेड क्लोजिंग प्रीपेड। और उसके बाद एडवांस की बात करें तो एडवांस भी आपका प्रीपेड हो सकता है, ओपनिंग प्रीपेड। सर ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर है, मैंने यहां ना एक गड़बड़ कर दी है, यहां पे ये नहीं आएगा, यहां पे आएगा एक्सपेंडिचर और इधर आएगा इनकम। और क्या आ सकता है? वेजेस पेड, ठीक है। और क्या आ सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये सब तो आपको पता ही है, मैं बोलूंगा फिर स्टेशनरी, आपको सब पता ही है यहां पे। चलो स्टेशनरी का तो स्पेशल पॉइंट होता है, यहां पे आएगा स्टेशनरी और ये कंज्यूम आता है। यानी सर स्टेशनरी कंज्यूम जो अकाउंट बनाया था ना, स्टॉक अकाउंट बोलते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओगे तो वो वाला अमाउंट आएगा। और कंज्यूम कब निकलेगा? अगर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग है तो कंज्यूम निकलेगा, अदरवाइज जो दे रखा है सारा कंज्यूम हो गया, समझे। और क्या आएगा यहां पे? सर और खर्चे में नॉर्मल सारे खर्चे वही है जो कि आपको पता है। अब सारे खर्चे आपको पता है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। मेजरली एक ऐसा है जो कि कुछ नाम जो कि आपको नहीं पता वो मैं लिख देता हूं, जैसे कि ऑनोरोनियम। ऑनोरोनियम क्या होता है? जैसे कि आपका हॉस्पिटैलिटी का खर्चा, मतलब कि जो डॉक्टर हम बाहर से बुला रहे हैं तो उसको हमें फीस देना पड़ता है। जैसे मान लो आप कहीं आसपास के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और वहां पे इतनी फैसिलिटी नहीं है और इमरजेंसी में वहां पे चाहिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो वो हॉस्पिटल वाले एक डॉक्टर को बुलाते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो जो वो डॉक्टर आता है ना वो अपनी फीस लेके जाता है, तो हॉस्पिटल वाले फीस पे कर रहे हैं, आप तो एनजीओ में गए, आपसे इतने पैसे नहीं लिए जाएंगे, तो वो उनके लिए ऑनोरोनियम एक्सपेंस में आ जाता है। दूसरा और क्या खर्चा आ सकता है इसके अंदर? सर ऐसा 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 आपका मान लेते हैं दवाइयों का खर्चा, मेडिसिन एक्सपेंस या ड्रग बोलते हैं उसे हम, ठीक है, मेडिसिन का खर्चा आ जाएगा इस साइड में, टू साइड में। और क्या खर्चा आ सकता है? ऐसा कोई खर्चा जो कि हमने अपकीप ऑफ फील्ड। अपकीप ऑफ फील्ड क्या होता है? सर अगर आपका क्रिकेट का काम है तो आपका फील्ड क्या होता है? प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड को आपको घास वास कटाई वटाई करोगे ना तो उसका तो खर्चा होगा ही ना, तो जिसे बोलते हैं अपकीप ऑफ फील्ड यानी प्लेग्राउंड का खर्चा। तो दो तीन चीजें हैं जैसे कि आपका अपकीप ऑफ फील्ड आपका, इसके साथ साथ आ सकता है मेडिसिन आपका, आ सकता है ऑनोरोनियम, ऑनोरोनियम या इसको छोड़ देते हैं, चलिए ये स्पेस थोड़ा कम है। सर टोटल करेंगे तो दोनों साइड में से किधर से भी आंसर निकल सकता है, अगर इधर से आंसर निकला तो सरप्लस और इधर आंसर निकला तो डेफिसिट। और इसका एक और नाम बताया था, इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम, जो मैंने पहले बता दिया था, लिखवा दिया था। तो सर ये पूरा का पूरा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि आपको बनाना है। आपके एग्जाम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस शीट लग के आएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अलग मार्क्स होता है और बैलेंस शीट का अलग मार्क्स होता है। अब बैलेंस शीट कितने बनेंगे? दो बैलेंस शीट बनने वाले हैं सर। दो बैलेंस शीट कौन से हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट और
क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट वाला हम कल वाली क्लास में करेंगे, पहले यहां तक देख लीजिए किसी को डाउट है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए, किसी के जितने बच्चे लाइव में, किसी का कोई डाउट यहां तक? अंजलि, शिवम, गौतम, चलिए फिर कल क्लास रखेंगे सुबह 11 बजे।